अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, मौसम ऐसे ही चल रहा है यार, दो तीन दिन से जो तुम लोग के सामने हैं, बारिश के असरात लग भी रहे हैं और नहीं भी लग रहे, होती है तो रात में होती है। जी जी क्या हुआ? मुर्गी सुबह में क्या हुआ उसे? साइड नहीं है? आ रहा हूँ। क्या हो गया? ओड़े इसको क्या हुआ है? तो मोशन मार रही है। अरे भाई यार, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा यार, ये क्या हुआ है इसको अचानक? यार ये देखें, सारी बीट इसने मोशन मारे हुए और बिल्कुल निढाल पड़ी हुई है यार। तो मुझे पता आप लोग भी परेशान हुए होंगे, मुर्गी कहाँ से आ गई अचानक। तो यार मैं बताता हूँ, कम्प्लीटली बताता हूँ। पहले तो यार इसको मैं देखूँ, परेशानी हो रही है, हुआ क्या इसे यार अचानक इतना ज़्यादा? खैर से बाहर लेके चलते हैं यार इसको, थोड़ी हवा हवा लगवाएं, फुरकान भी आ रहा है। तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मुर्गी कहाँ से आई और कैसे आई। यार फुरकान आई है। हाँ भाई यार, ये पकड़ो यार, एक टेंशन आ गई सर पे, पकड़ो मोबाइल, बताता हूँ भी दिखाता हूँ। चलो चलो बाहर चलो। अबे ये कब में आई? ये कब में आए? ये सवाल काफी लोगों का है और जरूर जो वीडियो देखते हैं हमारी उन सारी ऑडियंस का भी होगा। खैर से यार दोस्तों, यार बड़ा दुख हो रहा है यार मुझे। क्या हुआ? कसम से। तो क्या हुआ? देखो कितनी खूबसूरत है। हैं? कैसे पर है इसके प्यारे, खूबसूरत और फुल ब्लैक और थाई के पंजों में दिए, देखो क्रॉस में ब्लैक है इसके। यार ये हम सुबह मैं और भाई गए थे काम से, तो दोस्तों वहाँ पेट्स मार्केट भी लगती है जो तुमने भी देखी है। तो यार वहाँ पे हमारे को ना ये मिली और ये एक बंदा लेकर आया हुआ था दोस्तों, तो हमने उससे ना ये परचेज कर ली। इस पे हमें उस वक्त ये शक हो रहा था यार, थोड़ी सी मतलब दुबली है बहुत, ये देखो ना इसकी सिप निकली हुई है, देख रहे हो, इसकी सिप निकली हुई थी। हमने बोला यार सेट हो जाएगी, हम रख लेंगे, पर हमें ये नहीं पता था कि यार ये इतनी बीमार है। फुरकान ये रानी खेत में आई हुई है, पक्का रानी खेत बीमारी में, जिसमें हमारे आधे से ज्यादा जानवर मर चुके हैं दोस्तों, आधे ज्यादा परिंदे। देखो ना, ना भाग रही है ना कुछ कर रही है, ना छोड़ के देखता हूँ, ये देखो, देखा टांगों में जान ही नहीं है यार, चल ही नहीं पा रही है। ये देखो बिल्कुल ठंडी पड़ गई है टांगों में, वरना मुर्गी हाथ नहीं रखने देती है ऐसे, बिल्कुल यार हल्की पड़ गई यार एक दिन में। तो सुबह ऐसे ऐसे हम उससे खरीद के लाए दोस्तों, और शाम में इसने अभी ये हो गया। तो मेरे को भाई ने बुलाया, जल्दी आओ देखो इसको क्या हुआ है। सुबह जबकि सेट थी काफी, ऐसा कुछ भी नहीं था यार, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसको जिसके साथ रखा हुआ था ना, ये देखो इसके मारा हुआ भी है इन्होंने अच्छा खासा, गंजी भी हाँ अच्छा खासा मारा है इसको, जिनके साथ इन्होंने रखा हुआ था ना, उस बंदे ने जिसके साथ भी रखा हुआ था अच्छा खासा, मतलब बिल्कुल कंडीशन आउट रखा हुआ था। इसको खाना पीना पता नहीं हो कैसा दे रहा था यार, सिप निकल ली इसकी, यकीन जानो बड़ा दुख होता है देख के ऐसे, क्या अगर रख नहीं सकते तो मत। ये गंजा करा हुआ है ना पूरा यार, मुर्गे मुर्गियों के साथ छोड़ा होगा उन्होंने मारा हुआ कैसे यार। अब देखते हैं इसका क्या करना है यार, मुझे तो डर लग रहा है भाई, मैंने तो फैसला ही करा है, तुम बताओ इसको कटवा देते हैं। हाँ, इसको हलाल कराते हैं बेहतर रहेगा। तो यार इसको लेके चलते हैं, क्योंकि पूरे सेटअप का मैं जिम्मा नहीं ले सकता भाई एक मुर्गी के चक्कर में। तो यार दोस्तों इसको आज हलाल करा देते हैं, इसके अलावा हमारे पास हल नहीं है। अब हल यही है कि ये हलाल होगी, क्या कर सकते हैं। चलो भाई आ जाओ। तो यार इसको जो है हम दोस्तों वो हलाल कराने ले जा रहे हैं मुर्गी को, यहाँ सही दिखेगी। तो यार तुम पहली मुर्गी हो जो हमारे यहाँ आई हो, और एक ही दिन में ना सीधा रुखसत होके जा रही है कटने। फिर से यार ले जा रहा हूँ मैं इसको, इसको हम लाते हैं हलाल करा के। चलो यार फुरकान, यार बड़ा दिल दुख रहा है मेरा। हाँ भैया। तो यार दोस्तों हमारी मुर्गी गोश्त में तब्दील हो गई, थोड़ी देर पहले क्या थी और अब क्या है, तो ये गोश्त निकला इसमें से, हलाल करा दी यार। यार समझ नहीं आया यार मेरे बिल्कुल भी, मुझे इतना दुख हो रहा है ना, अच्छी खासी मुर्गी आई थी गोश्त में तब्दील हुई, अब खाने में आएगी है। लेकिन ये शुक्र है यार कि इसको रखे में हमें टाइम नहीं हुआ था दादा, अगर हम मतलब आज ही कट गई, अगर हमारे पास ये पल्ली होती छोटी सी तो यार एक दुख होता, इसी का इतना हो रहा है तो सोचो उसका कितना होता।
ये हम यार पालने के लिए लाए थे, सेटअप पे छोड़ते इसको 2 से 3 दिन में, और आज आप लोगों को ये दिखानी थी। खैर से भाई ये गोश्त इसका निकला है दोस्तों, मुर्गी थोड़ी वीक थी यार ये, और हमने इसी वजह से ली थी ये, ताकि हम इसको ले जाएं सेटअप पे, खिलाए पिलाएं और इसको सेहत कर दें, सेहतियाब हुई है। बट यार इसका सेटअप हमारा नसीब में ही नहीं था इसके, यार क्या कर सकते हैं। तो भाई अभी अभी मेरी नज़र पड़ी सेटअप के ऊपर, ये देखो यार पता नहीं क्या हो गया हमारे सेटअप को। ये मैंने अभी असल भाई से भी पूछा, मैं डायरेक्ट आके यहाँ बैठ गया था, फिर वो बोले क्या कहते हैं गोश्त, तो मेरी यहाँ पर नज़र नहीं पड़ी। अभी ये आते तो मैं इनसे पूछता हूँ क्या हुआ हमारे सेटअप का हाल। यार ये मेरे ख्याल से आ गए हसन भाई, ए भाई इनका खाना लेकर आया। ये क्या हुआ सेटअप का हाल? अबे ये क्या हुआ है, अबे टूट गया है यार ये। कैसे टूटा? कैसे क्या हुआ है, टूट गई। हाँ तो यार अभी बारिश हो रही है, अब क्या करना है भाई इसका? यार ये हवा से टूटा, तुम हवा की प्रेशर तो देख ही रहे हो। हाँ ये हवा से टूट गया, पहले इनको दाना पानी कर दें, फिर इसको देखते हैं, इसको सेट करते हैं, बांधना तो लाजम है क्योंकि बारिश में पता है किसी टाइम भी हो जाएगी, किसी टाइम भी हो जाएगी, किसी टाइम का भी दोस्तों नहीं पता, बारिश पक्की बताई गई है, पूरे पूरे आसार हैं। फिर इनको पहले खाना डालते हैं हम लोग और फिर वो करते हैं। यार आज पता नहीं क्या क्या मिली है खबर, उसको कटवाना पड़ा। अब ये तो भाई क्या कर रहे हो ये भाई? इनको हमने ना निकाला है, मैं बताता हूँ क्यों। आ जा, असल में बात ये फुलकान हमारे इधर ना कहाँ गया, पकड़ नहीं रहे हो तुम, मोबाइल लेके खड़े हुए हो। मैं जितनी देर में पकड़ने गया उसने हमला कर दिया। ना हम सेटअप का आदि डाल लें ताकि ये उड़े उड़े ना फुरकान, तो इनको हमने लाजमी खोलना है, उड़े तो फिर ये वापसी आ जाए हमारे पास, क्योंकि बड़े हो गया अगर मैं इनको छोड़ूंगा ना दोस्तों तो ये आदि नहीं होंगे और ये ना इधर ही फिरते रहेंगे ऐसे, यानी अल्लाह ना करे अगर कोई कबूतर आए उसके साथ निकले तो ये फिर गए और वापसी नहीं आएंगे। तो इस वजह से अब से हम पिजन्स को खोलेंगे और उनको ना छत की आदत डालेंगे सेटअप की, और उनको खुला छोड़ा करेंगे। मैं बहुत जल्द इनको भी खोलूंगा, अपने दोनों पेयर्स को, वो तो खैर अब अंडों पर बैठ गया, इनको लाजमी खोलूंगा, और जो भी आगे आने वाले पिजन होंगे इंशाल्लाह तो उनको अब हम वहाँ खोल के दाना डाला करेंगे जैसे पहले डालते थे। तो यार चिंटू मिंटू जो हैं वो फुरकान को तंग कर रहे हैं, ये देखो फुरकान के इर्द गिर्द आए जा रहे हैं, ये देखो ये रहा चिंटू और ये ऊपर ये और ये फुरकान भागा। फुरकान एक काम करो, हाँ यहाँ रख दो, ये देख क्या हुआ तो चिंटू ने और मिंटू दोनों ने फुरकान को तंग करके रखा हुआ। वो इसको ना ये खाना ही अगर बेचारा हाथ में पकड़ा होगा वो इसको ना बिल्कुल तंग करते रहते हैं कि बस ना उनको ये होता है कि हमें दे दे, तुम्हें पता है वो समझते हैं कि तुम उनका खाना खा जाओगे सारा। खैर तो यार ये मेरे पीछे भी लगते हैं और इनको यही लगता है कि ये हमें खाना डालने हर मरतबा इन्हें नया खाना चाहिए। चिंटू मिंटू सुधर जाओ, सही है ना, माशाल्लाह से चिंटू मिंटू बड़े हो रहे हैं हल्के हल्के करके। तो चलो भाई तुम लोगों का टाइम हो गया पूरा दोनों का, ठीक है तुम्हारा भी और तुम्हारा भी। तो यार इनके मैंने आप लोगों को नेम सजेस्ट करने के बोले थे, तो मैंने अभी तक ना कमेंट नहीं देखे उस पे नेम आए या नहीं, अगर नेम आए होंगे तो कल की वीडियो में इनका हम नाम रख देंगे जो आप लोगों ने बताए होंगे, और अगर अभी तक नहीं रखे तो जल्दी से इसका प्यारे का हमारे पास छोटू सो का, और वो जो छोटू है सेटल नेट छोची चोंच वाला, इसका भी आप जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दें मेरे को, ताकि मैं इस वीडियो के नीचे भी इनका देख लूँ और नाम जो सजेस्ट हुआ है वो रख दूँ। तो तुमने बिठाया क्यों है? चलो भाई आओ अब तुम बंद हो गए, ठीक है अब तुमने सेटअप पे उड़ान भरनी है। तो यार पूरे सेटअप को दाना पानी कर दिया, चिंटू मिंटू अब से थोड़ी देर में सारा ख़त्म कर देंगे। खैर से दोस्तों आज की जो यार ये बैड न्यूज़ हमें मिली, बैड न्यूज़ क्या, हमें नहीं पता था कि इस मुर्गी को क्या है, हमने सिर्फ एक तरीके से उस मुर्गी को रेस्क्यू के तौर पे करा था, बट ये नहीं पता था कि वो आते ही आज और आते ही कट जाएगी, आज ही आई है और आज ही सेटअप पे कट जाएगी, बल्कि सेटअप पे तो हम ला ही नहीं सके उसको, तो उसको मौका ही नहीं मिला, तो जो होना था वो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो हमारे इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल घर में शौक को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।